गुना के सारसहेला में धर्मांतरण करा रहे ईसाई धर्म प्रचारकों सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। राजस्थान के 12 जिले के ईसाई धर्म प्रचारक दंपत्ति द्वारा हिंदू धर्म के लोगों को पैसे और गिफ्ट देने का लालच देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा था। चरण सिंह ने बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि उसके गाँव में बालमुकुंद आदिवासी के घर पर हिंदू धर्म के लोगों का हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया जा रहा है और इसकी जानकारी के मिलते ही उसके द्वारा इसकी सूचना हिंदू संगठन के लोगों को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आपके जो देवी देवता है, कोई से भी है, जो मतलब उनका प्रसाद नहीं खाना है, उनको पूजना नहीं है और न उनके पास जाना है, तुमको यही जिंदगी यही इनके ही भरोसे रहना है, इनको ही पूजना है। यीशु भगवान की बोल रहे थे, वो यीशु भगवान कौन होते हैं ये जानते नहीं, हम पहली बार सुना है कि यीशु कौन है। वो पुलिस आई तो वो हमसे यहाँ से ये बोले कि हम बाथरूम करने जा रहे हैं, अभी आते हैं। तो बाथरूम के बहाने वो यहाँ से भक्के निकल के चले गए, वो जूते चप्पल सब यहीं पर छोड़ गए, नंगे पैर भागे। जो बीमारी के बहाना बनाकर उसमें दीपक जलाकर और आरती वगैरह करा के प्रार्थना करा कर धर्मांतरण की प्रक्रिया करा रहे थे, जिसमें संजू साइमन और बालमुकुंद साइमन है और उनके साथ 3 महिलाएं थी। तो हिंदू संगठनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने भी उनको इनको खिलाफ विधिवत FIR करके कार्रवाई की है।